राम राम जी। और क्या आवाज आ रही है? आ भी रही है कि वैसी फकत कट रहा है? आज बताऊंगा जापान में सस्ते में कैसे स्वाद लिए जाते हैं। मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, बहुत सारी चीजें होती है। अरे कहाँ भग रहा है, जिनमें बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं लगते और बहुत ज्यादा मजा भी आता है, उनके बारे में बताऊंगा। हाँ, तो पहला होता है डार्ट्स। डार्ट्स यहाँ बड़े सस्ते हर जगह होते हैं, हर जगह। कहीं भी गूगल कर लोगे आसपास तुम्हें डार्ट्स खेलने की जगह मिल जाएगी। स्पोर्ट्स सेंटर्स में बहुत ज़्यादा होता है, गेम सेंटर जो रहते हैं उनमें बहुत ज़्यादा होते हैं। और सबसे सस्ता 100 येन 200 येन में खूब बढ़िया गेम मिल जाती है और वो चल जाती है 15-20 मिनट, उसमें उधेड़ो खूब। उससे सस्ता कुछ नहीं है। दूसरी चीज होती है बेसबॉल। क्रिकेट क्रिकेट तो यहाँ कोई खेलता नहीं है सच, पर बेसबॉल खूब दबा दबा के खेलते हैं। जैसे क्रिकेट के बैटिंग सेंटर नहीं होते, उसमें बैटिंग होती है और ऑटोमेटिक मशीन से बॉल आती रहती है, तो ऐसे बेसबॉल का भी होता है। और रुक जा, गाड़ी आ रही है। तो ऐसे बेसबॉल का भी यहाँ बहुत होता है, वो भी गूगल कर लेना। आसपास हर जगह सेंटर होते होते उसमें बड़ा स्वाद आता है। अरे ऐसे लगते हैं ना छक्के खूब। पहली बार खेलोगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा कि बैट नीचे रखना है या फिर कंधे पर रखना है। हाँ आर्चरी कर सकते हो, धनुषबाजी, कतई अर्जुन बन जाओ, इसके भी 100-200 रुपये लगते हैं बस। बॉलिंग तो दुनिया में हर जगह ही होती है, जापान में भी होती है, इसके भी 300-400 रुपये लगते हैं, तो इसमें भी मज़ा बड़ा आता है। और पैसे बिल्कुल भी नहीं है पर टाइम बहुत ज़्यादा है, तो जापानी स्टाइल पार्क होते हैं। जापान में पार्क बहुत सुंदर होते हैं, इनमें जाओ बड़ा मज़ा आएगा। इनको जापानीज में तेई एन बोलते हैं, तेई एन, तेई एन। गाड़ी मिल जाती है रेंट पे आराम से, अगर तुम्हारे पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर जापान का ड्राइविंग लाइसेंस हो। इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ नहीं चलता। मिनिमम 2,500 येन 6 घंटे के लगते हैं और गाड़ी मिल जाती किराए पे। 2,500 येन मतलब 1,500-1,600 रुपये के आसपास। गाड़ी में जो गैस होती है, गैस डलवा के देते हैं, फुल टंकी फुल करा के देते हैं, और फिर वापस करते वक्त जितना भी तुमने तेल फूका होगा वापस टंकी फुल करा के उनको दे दो। ऐसी चकाचक गाड़ी मिलेगी, उसमें दाब के पंजा और टोक्यो ड्रिफ्ट की तरह उड़े डोलो। मजाक कर रहा हूं, घंटा मिलेगी वो, ये वाली मिलेगी। जापान की रोडों में गाड़ी चलाने में बहुत स्वाद आते हैं।
अगर गाड़ी का बजट नहीं बन पाता या फिर लाइसेंस की कोई दिक्कत आती है तो साइकिल ले लो, साइकिल भी 100-200 रुपए में एक पूरे दिन के लिए किराए पे मिल जाती है। साइकिल पे उड़े डोलो यार। हाँ, अगर गर्मियाँ हैं तो जापान में बारबेक्यू का बहुत ज़्यादा चलन रहता है, ट्रेंड है बहुत। हर कोई अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने ऑफिस वाले कोवर्करों के साथ सब बारबेक्यू करने जाते हैं। यहाँ बहुत जगह है, उसमें तो थोड़े पैसे लगते हैं पर ग्रुप उसमें मज़े बहुत आते हैं। पर उसमें वेज का ऑप्शन बहुत ज़्यादा कम होते हैं, नॉन वेज ही भरा रहता है, और नॉन वेज में चिकन भी कम होता है, बीफ पॉर्क ये सब ज़्यादा होता है। जो वेज वाले होते हैं वो उसमें सब्जियाँ होती हैं जैसे प्याज, शिमला मिर्च और नूडल वूडल डाल लो, वैसे खा लो, पर उसमें मज़ा बहुत आता है। हेलो हेलो नमाय नमाय यमिको देस अमित से फावन फावन तो यीमास्तु फावन 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 वी टू आर फावन वातासी इंडो कारा किमास्ता केदो अनाता हानकोकु आई एम इंडियन ही इज इंडियन टू ओके आई एम इंडियन टू आई लव यू ओ थैंक यू वर्ल्ड पीस ओके 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 वर्ल्ड पीस वर्ल्ड पीस क्रेजी निका हेलो नमस्ते He's from Korea. I'm Korean. And you from Korea. Korean. और यहाँ पर जापान कल्चरल इवेंट बहुत सारे होते हैं, जैसे किमोनो पहन के, यूकाता पहन के, वो जो उनका एक गाउन सा रहता है वो पहन के ये सीख लो, डांस सीख लो, या फिर वो सामुराई का कुछ सीख लो, या निंजा की कुछ सीख लो, ऐसे इवेंट भर के होते रहते हैं। अगर तुम सर्च करोगे ना तो तुम्हें कोई ना कोई इवेंट ऐसी मिल ही जाएगा। जब घूमने आते हैं ना तो इन सब चीज़ों को करने का बड़ा मन करता है। ये पहले मैं बहुत करता था पर अब मेरा ऐसा मन नहीं करता कुछ खास। ये सुशी बनानी सीखी थी, उसकी फ़ोटो है। ये सारे इवेंट ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद खूब फ़ोटो लो जितनी मर्जी तुम लेना चाहते हो इनके साथ। लाइन में लग रही है पब्लिक इतनी ज़्यादा इंतजार में, इन्हें ये नहीं पता यही दुकान चार गली छोड़ के सेम दुकान है, और उस साइड जाओ तो चार गली छोड़ के यही सेम दुकान दोबारा से है। पर ये तो टूरिस्ट है ना बेचारे कोरियन, इन्हें कौन बताएगा। इस रेस्टोरेंट का नाम है इचिरान, ये बहुत फेमस है जापान में, इसकी चेन हर जगह है। ये अकेले आदमी के लिए ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि अकेले आके बैठ के इसमें खा सकते हो, और इसमें रामेन अपनी चूज़ कर सकते हो, जैसे पतली नूडल चाहिए, मोटे नूडल चाहिए, छोटे चाहिए, या फिर जो सूप होता है वो थिक चाहिए, गाढ़ा चाहिए, हल्का चाहिए, कितना नमक मसाला कितना डालना है, कितना स्पाइसी करना है, ये सब अपने आप डिसाइड कर सकते हैं, इसलिए बहुत फेमस है ये दुकान।
और जैसे अगर कतई बेर बिखरे पड़े ना, पैसा कुछ है ही नहीं कतई भी, तो ऐसे रोड पे निकलते हैं। यहाँ पे तो रोड पे बड़ा टाइम पास हो जाता है, ऐसे कभी ना कभी कोई फेस्टिवल होता रहता है या कोई चीज़ें होती रहती है, या ऐसे नाटक करते रहते हैं रोडों पे, या फिर दुकानों के बाहर ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें लगी रहती हैं, उन्हें देखो, बड़े उससे भी मस्त टाइम पास होता है यार। ये मेडिकल स्टोर है, इसमें रोज रात को ये नाच नाच के दवाइयाँ बेचते हैं। ये सारे स्टाइल में भीख मांग रहे हैं। इतनी भीड़ हो रही, जगह ही ना मिल रही चलने की, कैसे है? अरे ये डोंकी होटे नाम से दुकान है, ये 24 घंटे खुली रहती है, जापान में हर जगह होती है। इसमें जाओगे तो हेलोवीन का जो कॉर्नर होता है उसमें हमेशा हेलोवीन का सामान मिलता रहता है, तो अलग अलग तरह के मास्क लगा के देखो और खूब टाइम पास होता है। ये एक इंग्लिश कैंप है, इसमें छठी क्लास से नीचे के बच्चों के साथ खाओ पियो खेलो कूदो, एक रात का स्टे भी होता है। इसके भी कोई पैसे पूसे नहीं लगते, ये भी बिल्कुल फ्री है। इन जापानी बच्चों को इंग्लिश सिखाओ, मैंने तो हिंदी सिखा दी थी।
हाँ, तो जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत थैंक यू, और जिन्होंने नहीं कर रखा हो आराम से कर लेना यार, बाद में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, फिर मिलेंगे, राम राम। ओ वोट आ रही है।